महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत स्थिति में थी, सत्ता में थी, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अजीत पवार की एक एंट्री से सब बदल गया। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कई अहम मंत्रालय जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के पास थे वो अजीत के खेमे में चले गए। ऐसे में सवाल ये उठे कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। बावजूद इसके विभागों के बंटवारे में कई अहम मंत्रालय जो अब तक बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के पास थे उन्हें सरकार में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खेमे को दे दिया गया। इसमें सबसे अहम मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से वित्त विभाग को लेकर खींचतान थी। राज्य की सियासत में इस बात की चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे गुट ये नहीं चाहता कि वित्त विभाग अजीत पवार को मिले। हालांकि वित्त विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास ही था। ऐसे में बीजेपी के नेता भी ये नहीं चाहते थे कि राज्य की तिजोरी की चाबी किसी दूसरे खेमे के पास चली जाए। इसके अलावा जिन मुद्दों पर एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे से अलग हुआ था उसमें एक ये भी था कि पिछली सरकार में भी अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो फिलहाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी शिवसेना और एनसीपी का छोटा भाई क्यों बन रही है। इसके अलावा सवाल तो ये भी है कि आखिर बीजेपी इतना उदार बनकर कौन सा खेल खेल रही है। जानकारी के मुताबिक अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 45 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, लेकिन इतनी सीटें जीत पाना शिंदे और बीजेपी गठबंधन के लिए आसान नहीं लग रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कुछ सर्वे जिसमें एनसीपी में फूट के पहले महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिलती हुई दिखाई दे रही थी। इस सर्वे ने ही बीजेपी की नींद उड़ा दी। बीजेपी को अपना लोकसभा चुनाव का विजय रथ रुकता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ तक कि कस्बा पेट के उपचुनाव में बीजेपी ने 28 साल बाद हार का मुंह देखा था। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को यह समझ में आ चुका था कि अगर महाविकास आघाड़ी को कमजोर नहीं किया गया तो राज्य में उसके लिए मुसीबत खड़ी होनी तय है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अजीत पवार और शिंदे गुट पर बीजेपी की मेहरबानियों की एक बड़ी वजह ये भी है कि आजकल सीएम एकनाथ शिंदे और अमित शाह के संबंध काफी अच्छे हो गए हैं। लेकिन जब एकनाथ शिंदे का एक विज्ञापन सभी अखबारों में आया तो आला कमान की भी आंखें खुल गईं। उस विज्ञापन से देवेंद्र फडणवीस भी नाराज हो गए थे और उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए एक और विज्ञापन छपवाया गया, लेकिन डैमेज तो हो ही चुका था। खैर वो पुरानी बात हो गई, पर ताजा खबर ये है कि इस सरकार में एकनाथ शिंदे पर लगाम लगाने के लिए ही अजीत पवार को लाया गया है, क्योंकि शिंदे आला कमान के करीब जा रहे हैं। साथ में सीएम होने के साथ सरकार पर नियंत्रण भी उनके हाथ में है। एक वजह और भी है, शिंदे गुट के विधायकों पर अपात्र होने की तलवार भी लटक रही है। ऐसे में अगर शिंदे गुट के विधायक अपात्र हो जाते हैं तो अब सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि अजीत के आने से सरकार काफी मजबूत स्थिति में आ गई है। राजनीति के विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी के सामने इस समय सबसे बड़ा टारगेट लोकसभा और विधानसभा चुनाव का है। इसलिए ये साफ है कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं, जिसमें शिंदे की सरकार में ताकत, शिंदे गुट का अमान्य होना, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फायदा होना जैसे कई मुद्दे हैं। अब देखना ये भी है कि बीजेपी का ये प्लान चुनाव में सही साबित होता है या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।